business class. Hello everyone, listen. As you know that we are discussing our chapter, that is the triangle, and in the triangles I think we have done some questions also, and we are discussing similarities of the triangle, and in the similarities of the triangles also we have done some questions or not. I think first is done. Yes. No, first is done. So exercise, which one? 6.3. Exercise 6.3. And I start with the question number second. Last question number second is too much easy question. है ना? क्या है? जिस तरीके से फिगर बना हुआ है, ये है और ये है, और ये एंगल कितना दे रखा? 70 डिग्री, और ये एंगल 125. क्लियर है? और गिवन क्या है बस? गिवन क्या है? ट्रायंगल ओ बी सी. ओ बी सी. आई थिंक दिस वन इज ओ बी सी. ODC है ना? Similar to triangle OBA. Yes sir. OBA ठीक है ना? तो यहाँ से ये I think A and B है. B and C and this one A and B. Yes sir. A and B. This one. Given है ना? तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्लास. सिमिलरिटीज का मतलब मैंने बता रखा था आपको कि ओ हो गया, डी डी हो गया, सी ए हो गया, है ना? अगर एंगल को कंपेयर किया जाए तो क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कैसे एंगल से है. तो एंगल पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि एंगल कौन से कितने डिग्री का होता है. तो चलो देखो, ये जो होता है यहाँ से ये एंगल कौन सा, किस टाइप का एंगल है? लीनियर पेयर. सो वी कैन इजीली फाइंड हाउ 180 डिग्री माइनस 125, दैट इज द 55 डिग्री. सो वी कैन राइट हियर 55. अगेन दिस एंगल हाउ मच? 75 और प्लस दिस, यानी कि 55 180 में से माइनस करेंगे अगेन, ठीक है ना? तो 55 एंड दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज द 55 डिग्री, है ना? क्लास नाउ एंगल ओ 55 हो गया, एंड एंगल डी एंड बी, तो एंगल डी इज 70. तो बी ए है या ए? ये बी ए है ना? चलो ठीक है, कोई नहीं. तो ये डी है, तो डी किसके इक्वल है? B जो है, तो B ये है क्लास, तो इट्स 70, और ये कितना होगा? 55. क्लियर है? सारा एंगल फाइंड आउट हो गया. मूव टू नेक्स्ट. चलो इसको पहले कर लो, तो चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. जस्ट डू इट प्रॉपरली. क्लास क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? इट इज सेइंग दैट डायगोनल्स ऑफ अ एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रैपेजियम एबीसीडी. एक ट्रैपेजियम है एबीसीडी, इट्स अ ट्रैपेजियम, और ट्रैपेजियम में क्या है? ये और ये, ए बी सी एंड डी, ठीक है? गिवन में क्या लिखते हैं क्लास? ए बी पैरल डीसी, ए बी पैरल डीसी, और ए बी पैरल डीसी हो गया. तो ट्राइंगल ओ डी सी, ओ डी सी सिमिलर टू, चलो देखो ये और ये क्या हो गया? ओ, ये कितना हो गया? 70 डिग्री. सॉरी, ये और ये पैरेलल है, बस केवल इतना. और प्रूफ करने के लिए क्या करता है? सॉल्व है, टू प्रूफ OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OC.
यस है ना, कहता है ये भी ये दोनों पैरेलल है तो सिमिलर प्रूफ करना है, सॉरी यस इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करना है क्लास बताओ, जैसे ये और ये वर्टिकली अपोजिट, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर, दो एंगल मिल गया, तीसरे की हमें जरूरत है नहीं, वैसे तीसरे भी मिल ही रहा है, ठीक है ना प्लान। सो क्या होगा, ट्रिपल ए से कांग्रेस सिमिलर प्रूफ हो गया, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी। तो इसमें क्या है, अब आप ये देखो एंगल एंगल सी डी ओ इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ओ बी ए, ये आ गया प्लस इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल ओ सी डी इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, इंटरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, एंगल ये हो गया क्लास। अब आपको एक और दिया हुआ है एंगल हो एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी है ना, ये क्या है बी ओ पी ए वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो ट्राइंगल क्या, अब देखो ट्राइंगल डी ओ सी सिमिलर टू क्लास, पहला ट्राइंगल तो हम लोग किसी भी तरह से लिख लेंगे, लेकिन दूसरे ट्राइंगल को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हाउ वी कैन एक्सप्रेस जो सिमिलर है जिसके, उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए पहले डी ओ, डी जो होता है किसका, बी के, तो क्लास एंगल क्या हो जाएगा बी, ओ है तो ओ का और सी है तो ए का, तो यानी ट्राइंगल क्या होगा बी ओ ए सिमिलर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया क्लास, डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल टू डी सी अपॉन डी सी अपॉन बी ए, ठीक है ना। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों, तो इन दोनों के बारे में केवल लिखते हैं क्लास, डी ओ डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ सी अपॉन ओ ए, ठीक है ना। अब ये एक्चुअली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो क्या कर देते हैं दोनों साइड रेसिप्रोकल, सो क्लास वी कैन राइट बी ओ अपॉन बी ओ ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है ना, हेंस प्रूफ, ठीक है ना, हेंस प्रूफ। क्लास है ना, देखो ये जो होता है हम क्वेश्चन नंबर ये है फोर, क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज सेइंग दैट, कहता है इन द गिवन फिगर्स, इसमें गिवन है आपका क्यू आर अपॉन यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन बी आर है ना, एंड एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इज अ गिवन, ठीक है ना। ये ट्रायंगल है पी क्यू है ना, पी एंड एस एंड आर प्लस दिस इज एंगल टू एंड दिस इज एंगल वन, एंगल वन और एंगल टू, ये है ना। तो प्रूव क्या करना है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं क्लास,
triangle PQS similar to triangle PQR. देखो कुमार, अभी हम कॉमन वन की बात नहीं कर सकते, करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद. सुनो क्लास, गिवन दैट दिस वन इज द गिवन, पहले यहाँ आकर के हम लोग ट्रायंगल देखते हैं. ये ट्रायंगल क्या कह रहा है कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये तो हमें गिवन है ना. इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड पी क्यू आर, ठीक है ना. देखो पहली बात, ये हमें गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर. कुछ देखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये और ये, तो ये तो बात समझ में आ रहा. फिर क्यू टी अपॉन पी आर, यानी ये हो जाए, ठीक है ना, ये अपॉन ये. तो क्लास, एज यू नो दैट कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, तो वी कैन राइट हियर क्यू पी इक्वल टू पी आर. क्यों? आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, रूट लॉज ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल. एंड आफ्टर दैट क्लास, ये जो होता है एंगल वन इक्वल टू एंगल टू क्यू पी इक्वल टू पी आर, ये दिया हुआ है. उसके बाद में देखो, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू टी, ठीक है ना. तो आप ये समझो क्या, इसको थोड़ा रेसिप्रोकल कर दो. तो रेसिप्रोकल इसे करने पे हो जाएगा क्लास, है ना, क्यू एस अपॉन क्यू एस अपॉन क्यू आर और क्यू पी अपॉन क्यू टी, ये हो गया. अब आप देखो क्यू एस क्यू पी, है ना, और ये क्यू पी, ये ट्रायंगल बन रहा है. ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? क्यू टी आर, है ना, और क्यू पी एस, पी क्यू सॉरी पी क्यू एस पी क्यू एस, ये छोटी वाली ट्रायंगल आ रही है. इनमें से देखो ये एंगल क्या आ रहा है, कॉमन. देखो यहाँ पे क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्यू एस अपॉन और क्या है क्लास, क्यू पी, क्यू पी अपॉन पी क्यू, ये दो, यानी कि यही ट्रायंगल है वो, है ना, जो हम सोच रहे हैं. तो क्लास इसमें एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या हो गया, कॉमन, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर by S A S, क्लियर है, सिमिलर हो जाएगा S A S A.